तो जी दोस्तों, मैं 386 86 के बाद 87 87 इज इंग्लिश कंपलसरी टू, इंग्लिश कंपलसरी टू दूसरी इंग्लिश है जो आपकी, उसके हवाले से आज आपके साथ कुछ चंद पेपर के मुतालिक ऐसी ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपने पेपर के अंदर अपने लिए इफेक्टिव पानी है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़ पीके पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है जो इंग्लिश 387 कोड, इंग्लिश 386 के पेपर मैंने पहले आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर कर दिए हैं। इसमें आपको, आपने अपनी मोहब्बत का इजहार भी बहुत अच्छे तरीके से किया, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं आप 387 के पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उनको हल करने का जो तरीका कार है वो भी इंशाल्लाह इनके साथ साथ आपको डिस्क्राइब भी करूंगा और बताऊंगा भी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, मैं 387 86 के बाद 87 87 इज इंग्लिश कंपलसरी टू, इंग्लिश कंपलसरी टू दूसरी इंग्लिश है जो आपकी, उसके हवाले से आज आपके साथ कुछ चंद पेपर के मुतालिक ऐसी ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपने पेपर के अंदर अपने लिए इफेक्टिव पानी है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जी तो दोस्तों, राइट टू पैराग्राफ अबाउट लाइक और डिसलाइक। आप कौन सी चीज है जो पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं? राइट द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर योर फ्रेंड होम यू टेलिंग दीज थिंग्स थ्रू ईमेल। आई एम सेकेंड फॉर अ टीवी रिपोर्टर हु इज इंटरव्यूइंग यू ऑन योर गेटिंग अ पोजिशन इन एग्जाम। यूज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइक एंड डिसलाइक। वो आपको पूछ रहा है कि आपने ईमेल के जरिए टीवी रिपोर्टर की इंटरव्यू के बारे में, मतलब पूछ रहा है कि टीवी रिपोर्टर का इंटरव्यू जो आपने देना था वो सही हो गया है या उसके बारे में जो अच्छी पोजीशन रही है या हल्की रही है, तो आप इसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। इसके बारे में आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स इन राइट इन टू पैराग्राफ, ठीक है जी। अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक का पैराग्राफ और डिसलाइक का भी पैराग्राफ दोनों लिखेंगे आप। ये आपके लिए एक टास्क होगा पेपर के अंदर, ठीक है जी। और ये इंग्लिश में लिखना है, आप कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे मुझे उम्मीद है, पर ये आसानी से नहीं है पर थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप जब इंग्लिश रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी मैं हिंट देता चलूँ आपको कि आप टीवी रिपोर्टर जो है ना, कुछ दोस्त होते हैं कि आप टीवी रिपोर्टर क्यों बन रहे हैं, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग द टीवी रिपोर्टर न्यूज़ या कुछ भी ऐसा आप कह दें उसको, तो एक सवाल आ गया ना व्हाई, तो इसमें यस और नो दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं आपके सामने, तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। मैंने आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, कुछ दोस्त होंगे जो इसी बात से ही आगे सवाल का जवाब बना लेंगे कि यार इसे अच्छी अच्छी पोस्टें पड़ी हैं आप उस पर अप्लाई क्यों नहीं करते आप। अच्छा, अगर इसको लाइक करना है तो अल्लाह के बंदे टीवी रिपोर्टर आजकल इतने अच्छे हैं तो आप एक्सप्लेन करो इसको इतने इतने वर्ड्स में कि यार टीवी रिपोर्टर कमाल के एंकर पर्सन हैं जो बहस करते हैं ऐसे ऐसे, मतलब कि वो उसको करेज करें तो वो लाइक में आ जाएगा। अगर डिसलाइक करना चाह रहे हैं तो आप उसको हटा दें इस चीज़ से, आप उसको ये कहें कि यार टीवी रिपोर्टर तो आजकल बहुत ही खराब चल रहे हैं, अच्छी न्यूज़ नहीं देते, बुरी 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 न्यूज़ बोलते हैं या कुछ भी ऐसा, तो उसके हवाले से इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये मैच द काज और कॉलम ए और बी, ये दो इफेक्ट्स आपके सामने रखे हैं उन्होंने, ठीक है, तो ये इफेक्ट्स आपने इनके साथ मैच करने हैं और कॉज और इफेक्शन जो है वो आपने 1 2 3 4 5 के हिसाब से इसको रख के, ठीक है, कॉलम ए को वो बी के हिसाब से आपने यहाँ पे ओके करना है, ठीक है जी। ए बी सी डी, जो A1 के साथ है, कौन सा मैच करता है ए बी सी डी जो भी है। अच्छा जी, आप अपने दोस्त को बताएं कि प्लान करे समर वेकेशन के अंदर, मजे हो गए फिर तो। आप एक्सप्रेशन जो है अपने, इसके 10 सेंटेंस बताएंगे, यार कमाल है, मैं मरी जाना है तो तैयारी कर लो, मरी यार बर्फ होगी, बहुत अच्छे एलिवेटर्स हैं वहां पे, लिफ्ट्स हैं चल रही हैं उसके ऊपर मजा आएगा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्रेशन है आपके, आप इजी समझ, एक्सप्रेशन होता है आपकी फेस
फीलिंग्स का जो इजहार है आप किसी के साथ अपनी एक्सप्रेशंस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नोट टॉकिंग फॉर विद एग्जांपल। मेथड ऑफ नोट, नोट टॉकिंग होती है कि आप कोई भी चीज एक नोटेशन ले लेते हैं किसी चीज की, कि आपके पास एक टॉपिक आ जाता है नोट की सूरत में, आप उसके साथ बहस करते हैं वो विद एग्जांपल। मतलब आप कोई भी टॉपिक ले लें, मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाले टॉपिक उठा लें टीवी रिपोर्टर वाला, तो ये एक बहस के अच्छा मौजू है। इसी तरह यू आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर अ मंथ, आप बाहर जा रहे हैं एक साल के लिए, तो उसके लिए आपको अपने दोस्त को, जो दोस्त के लिए घर देखना है, ठीक है जी, और एटलीस्ट 10 इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है कि अपने घर को सही करवा ले और राइट ऑल इंस्ट्रक्शन। आपने ना कुछ 10 के इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको कि घर को अच्छे से डेकोरेट करवा ले, उसके अंदर कोई टीवी शीवी लगवा ले, कोई सोफे शोफे लगवा ले, ठीक है, उसके बाद बेडरूम की सेटिंग कर ले, कर्टन्स लगवा ले, दरवाजे अच्छी तरह पॉलिश करवा ले, फर्श अच्छी तरह चमकवा ले, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपने इसको बताना है, ये थोड़ा सा उसको गाइड करना है। अच्छा जी, व्हाट आर इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है जी, अब ये भी सवाल है, इसको भी देखते हैं। अंडरलाइन ऑल द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये आपके, ये वो सेंटेंस है जिन पे आपने कुछ थोड़ा सा मतलब देखना है। दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। जैसे ही लाइक स्विमिंग, वो स्विमिंग मतलब पसंद करता है। ये 10 फिक्रे हैं, आपने इनको थोड़ा सा बना लेना है ताकि आपके लिए बेहतर रहे। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, सिंपल हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है जी। राइट द सेंटेंस केयरफुली एंड ट्राई इंटर गैस इन एम्प्लॉयड मीनिंग सेंटेंस, ठीक है जी। ये भी आप इसको टिक एंड ट्राई करें अपनी बुक के अंदर से देख के, वहां से आपको इसका बेटर आंसर मिलेगा। और आपको बुक तो जाहिर सी बात है पढ़नी है, वो छोड़नी तो नहीं है, तो इस वजह से आपको ये बुक में से चैप्टर वाइज जो भी चीजें इसके बेटर आंसर मिल जाएंगे। अच्छा जी, एसेंशियल एनिमल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल लेटर। ओके, इनफॉर्मल लेटर होता है जो आप किसी को भेज रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं इनफॉर्मल के, वो इनफॉर्मल लेटर होता ही इनफॉर्मल है बेसिकली। और फॉर्मल ये होता है कि अगर क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो मैं उसके साथ रूबरू हूँ, तो ये फॉर्मल होगा। तो एलिमेंट्स आपने, एसेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर बताने हैं विद एग्जांपल, अपने दोस्त के साथ शेयर करने हैं विद एग्जांपल, आपको ये भी बुक के अंदर से बेहतर तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जी आगे आपको ये खाली जगह भी किताब में से मिलेगी, ये चीज़ भी आपको किताब में से मिल जाएगी। अच्छा, ये पेपर शेयर करने का असल में मकसद क्या है, मैं आपसे ये बात तो दोबारा से करना भूल ही गया। तो ये पेपर शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पेपर का पैटर्न दिखाया जा सके कि यार इस तरह का पेपर आने वाला है आपके सामने, तो आप उस वक्त जब आए आपके सामने तो परेशान नहीं होना आपने। इसके अंदर से भी कुछ व्हाट इज इमेजिनरी, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने देखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, पूरा पैराग्राफ है और ये इसके सवाल हैं, इसके अंदर से आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा जी, प्रोसेस इज ऑलवेज डिस्क्राइब सीक्वेंस, ठीक है, ये भी आपको आई थिंक किताब में से ही मिलेगा। ये बेहतर आइडिया आपको किताब वाला बंदा ही दे सकता है क्योंकि उसने किताब पढ़ी है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि चेंज इन पैसिवाइज, ठीक है, लॉट ऑफ मनी, अ पीपल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका पैसिवाइज कर लें, एक्टिवाइज आइए इसको पैसिवाइज कर लें, तो ये ईजी है, ये आप इजीली बुक में से कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो 386 वाले पेपर में मैंने एक्सप्लेन किया, वो भी जाके देख सकते हैं आप, उधर से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बेहतर तरीके से। और ये आपकी जो बुक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे मैं देख रहा हूँ, तो ये आपको बुक रिलेटेड, इसमें आप ये देखें, अ बेस्ट फ्रेंड इज अ ग्रेट पर्सन, आप उसको सपोर्टिंग डिटेल लिखें और कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखें, ये भी आपको बुक में से बेहतर तरीके से मिल जाएगा। इसी तरह आपको ये सवाल, ये वो सवाल हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के अंदर, और आपके साथ पेपर शेयर करने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे दोस्त भाई बहनों, आप इनको देख लो एक दफ़ा ताकि आपको परेशानी ना हो पेपर में,
और मैं पेपर के ये जो पेपर आपके साथ ये शेयर भी करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, और मैंने इससे पहले जो सारी वीडियोज हैं उनके अंदर भी पेपर शेयर किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरे वीडियो में पेपर दिखाने का मकसद ये होता है कि आप पेपर वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, आपके लिए भी आसानी होगी, आपको परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये मटेरियल। आप इसको देख लें एक दफ़ा, मैं आपके सामने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये भी है, ये भी है। मैं इसको पेपर को देख रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गाइडलाइन लेना चाहते होते हैं उनके लिए गाइडलाइन जो है वो ईजी से मैं उनको दे सकूँ, कोई मसला मसाइल ना हो किसी किस्म का। तो पेपर आपके साथ शेयर हो गए आई थिंक सारे। हाँ जी, ये लास्ट पेपर है, ये भी आप देख लें, अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। अच्छा, इंटरनेट पे आपने उनको गाइड करना है कि आप इंटरनेट को लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं, इसने हमारी आवाम को बिगाड़ा है कि बनाया है, ये चीज़ बतानी है आपने। अच्छा जी, ये भी बेस्ट है, ये आपके लिए बेस्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये देखें आपके रीड द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में क्या चीज़ पूछी है जी, सी वी, अकेडमिक डिटेल, शॉर्ट जॉब डॉक्टर। अच्छा, मतलब ये सी वी के रिलेटेड कुछ पूछा है मैंने, ठीक है, ये भी आपकी बुक के अंदर मौजूद होगा। अच्छा, ये दोस्तों के साथ मैं पेपर शेयर करने वाला हूँ 9, और आपके मैं दोबारा से चैनल पे आ गया हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि 386 का जो पेपर था ना वो आपके लिए आसान बनाया है, जिस तरह आज वाला ये पेपर मैंने आसान बनाने की कोशिश की है, इस तरह 386 वाला पेपर आसान बनाया है। पेपर डाउनलोड कर लें, उनको देखें, उनसे मतलब कुछ ना कुछ आपको कोटेशन या कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाएगी। 386 के अलावा भी 316 इस्लामिया, 317 पाक स्टडी और एफ ए उर्दू के लिए जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, उनके लिए भी मेहनत की है, वो भी जाके देखें, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपका कोई बीए वाले दोस्त हैं तो उनके लिए 14-23 के पेपर भी हमारे पास मौजूद हैं वो, और 14-24 के इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद वो भी अपलोड करूँगा, फाइंड आउट करके आपके लिए वर्क करना पड़ता था इस वजह से। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।